ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो संडे सबसे मेन चीज, बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। संडे मतलब मॉर्निंग राइड, और अभी ये शायद हमारी लास्ट मॉर्निंग राइड रहेगी क्योंकि अभी इसके बाद रमज़ान चालू होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई रमज़ान चालू होने के बाद तो कोई राइड पर जाएगा नहीं क्योंकि सबके रोज़े रहेंगे। तो आज सोचे कि जाके आते भाई, मेरे को तो कब से मैं ये सोच रहा था कि जाके आ जाता हूँ पहले, क्योंकि अभी अगर ये संडे अगर राइड में नहीं गया तो पूरा एक महीना मेरे को ऐसा संडे राइड करने का मौका नहीं मिलेगा। जो हमारी ब्रेकफास्ट राइड होती है वो करने तो मिलने वाली है नहीं। तो आज पहले मैं सोच जाके आ जाता हूँ, बोला यार। वैसे भी वो लास्ट टाइम जब वो 360 का जो सीन हुआ है उसके बाद तो मैं गया ही नहीं हूँ। मैं बोला नहीं भाई, अभी जाना ही नहीं है किधर पे। तो आज जो निकले हम लोग, देखते हैं, ये ब्रेकफास्ट राइड रहेगी, ये सॉर्टेड एंड सिंपल राइड रहेगी। अभी देखते हैं क्या क्या है। वैसे तो मैं किसी के साथ प्लान तो नहीं किया हूँ कुछ भी, बस अपना मैं निकल चुका हूँ। अभी देखते और कौन कौन क्या क्या मिलता है। तो क्योंकि संडे है मतलब बहुत से लोग तो निकले तो रहेंगे, इतना कन्फर्म है। क्या बात कर रहे भाई, अरे वहाँ उठा ले, कब भी निकल जाते फोन किया। वेस्ट दिखा रहा है, अरे मेरे घर पे डू नॉट, हाँ D&D रहता है मेरे घर पे। BMW XR, अभी और कौन कोई आ रहा है लगता, तो इसके लिए ये सडन प्लान था। देखो सडन प्लान में भी हम लोग इतने लोग मिल जाते हैं। जाने का किधर है? हाँ क्या क्राउड हो गया यार। तो राइड चालू हो गई, मैं तो मेरा सोलो ही जाने वाला था। कुछ मेरा ग्रुप प्लान, ग्रुप में जाने का कोई प्लान नहीं था मेरा, तो मैं तो सोलो में ही जाने वाला था क्योंकि मेरे को पता है आज मैं, अरे मतलब क्या सीन होता है जब हम लीडर क्लास बाइक में जाते हैं ना, तो हमारे बाइक का टॉप एंड उनका एकदम नॉर्मल स्पीड रहता है, तो वो करते हुए नहीं जाने का था मेरे को। आज बस पीस आउट राइड चाहिए, एकदम शांति से चिल करके एंजॉय करके आने का। कैंटीन में को मालूम है हम लोग सब मिलने वाले एक ही पॉइंट पे, तो जब वहाँ पे मिलने वाले तो फिर अभी भगा के क्या मतलब। टाइमिंग एकदम सही है आज, मतलब हम लोग लिटरली 6:30 बजे का प्लान था ये। मैं सोचा था 6:30 बजे तक निकल जाऊँगा, वैसे हम लोग 7:15 होने आ गए, निकल चुके हैं अब तक। क्या मस्त चिल क्लाइमेट है एकदम, और यही क्लाइमेट बाद में इतना धूप होगा और इतना बोलते ना बॉडी को हीटअप करेगा ना ये, मतलब इसके लिए मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे ना वो राइड सबसे सॉर्टेड रहती है, कोई टेंशन नहीं रहता उसमें, एकदम चिल क्लाइमेट रहता है, रोड खाली रहते, जितना चाहे अपने हिसाब से चल सकते हैं। भगाने के हिसाब में मैं तो नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मेरा बैड लक चालू है, इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आज भी मैं उस पर कुछ और बोलते ना एड ऑन कर लूँ। बाकी सामने देखो क्या मस्त सीन है, पूरा ब्रिज के ऊपर पूरा फॉग है देखो वो। गुड मॉर्निंग, क्या लग रही है यार। अरे मतलब सभी लोग निकले रहे आज, मतलब अनप्लान करके भी सब राइडर, हम लोग जितने भी लोग थे सब मिल रहे हैं आज एक दूसरे को। क्या मजा आ रहा है यार, मतलब कितने दिनों से ये सब मिस कर रहा था।
लास्ट टाइम हम लोग ये सब एंजॉय करने के लिए निकले थे, मगर हमारा तो इंस्टा 360 का अलग ही सीन हो गया था, मगर अभी मजा आ रही है। आगे जो प्यारा रोड मिलेगा ना, मतलब बोलते ना भाई बस राइड सफल, वैसा रोड मिलने वाला। अभी बस है, स्टार्ट करते हैं कॉर्नरिंग से। अरे मतलब अभी मजा आएगा, असली मजा तो अभी है। से अब भी हम लोग आ गए खोपोली, वो जल्दी आ गया, 7:15 बजे निकले थे, ऑलमोस्ट 7 मतलब 7:18 समथिंग, तो 20 से 25 मिनट में पहुंच गए हम लोग खोपोली। और अभी बस एक घाट क्रॉस करने, मतलब लोनावला आ रहे, मतलब बहुत अच्छा सा स्टेज पे आ रहे। चाय की चुस्की लेने का मन है अभी मैं सोच रहा हूँ मैं इधर ही रुक के किधर चाय पी लूँ पहले, कि अभी घाट क्रॉस करके सीधा कामत पे ही रुकूँ, क्योंकि एट दी एंड सब लोग कामत ही जाने वाले हैं। हर बार इधर से जाते हैं, ये लोकेशन क्या है देखते हैं, क्योंकि क्या दिख रही है देखो, काय खाली खाली काय हेलो माग कशी घेतो आता, हा असेच चाललो आम्ही, ना ना थांब थांब टर्न मारून येतो मी, थांब टर्न मारून येतो, टर्न मारून क्या लोकेशन है बटिए। मस्त प्लेस है रे, इधर एक फोटो तो बनता है फिर। दिख रही है हमारी फ्यूरी सॉर्टेड, मस्त लोकेशन है यार ये, अभी ज्यादा अच्छे से दिखेगा आप लोग को। ऊपर से हमारी ब्लैक ब्यूटी क्या दिख रही है देखो, यहाँ पे एक फोटो तो बनाऊंगा पहले, मैं कैमरा निकाल देता हूँ, निकाल लिया जो निकालना था। ये सब आप लोगों को मेरे इंस्टा पे तो दिख ही जाएगा मैं क्या शूट किया है करके, बट लोकेशन बहुत प्यारी थी ये, ये लोग सब शायद पहुंच गए उधर, सबके फ़ोन आ रहे, अभी फटाफट कवर करता, थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है। बट मेरा कैसा रहता है, मैं लाइव बोलते ना राइड बस वो इधर से निकलो उधर पहुँचो ये हिसाब से नहीं जाता, वो पूरा रोड एंजॉय करके जाने में मज़ा आती है, जिधर भी मन किया उधर रुको, जो करना है करो, इधर शूट करो, ये इधर ये खाओ वो खाओ, ये सब करने में मज़ा आती है, सिर्फ एक जगह से निकलो दूसरे जगह पे पहुंचो ये नहीं पसंद मेरे को। माई फेवरेट था ना, वन ऑफ माई फेवरेट,
never thought I'd feel like this. आ गया जी क्या, 5 मिनट भी नहीं बचे। और आप लोगों को लिटरली बताओ, आज तो ब्रेकफास्ट राइड का भी मन नहीं है मेरा, मैं बस चाय पीने के लिए आया हूँ। क्योंकि इधर वो कामत है ना, कामत में नहीं बोल रहा हूँ, उसके सामने के ना मस्त ठेला है, उधर इतनी मस्त चाय मिलती है ना, चाय पीने के लिए इधर आया हूँ मैं। बोला चल आज ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, आज बस चाय पी के आते हैं इधर से, वरना आने का कुछ ऐसा मोटो नहीं था कि आज आके लोनावला में ये करना है। अरे पूरा तो इधर मेला लग चुका है। अरे आयला सगळे भेटता त्याच्या आयला अचानक। La 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 la। ये क्या है? ये है क्या? BMW K12 GT। MP पहली बार देखा है रे बाइक में, इस BMW K12 GT। नाइस मशीन। चलो देखते हैं अभी आगे क्या क्या है, और अपने को तो वैसे भी चाय पीनी है। 1 hour later। सो चलो आज को ब्लॉग को एंड करते हैं, अभी यहाँ पे हो गया राइड, अभी यहाँ से निकलने का हो गया चालू। हाँ अच्छा था, बहुत दिन के बाद ये चेंज की ज़रूरत थी और वो फाइनली किया। अभी पता नहीं अभी लॉन्ग राइड इसके बाद मैं कब करूँगा, बट हाँ इतना तो श्योर हूँ कि जैसे एक बार रमज़ान पूरा होता है उसके बाद सीधा जो पहली राइड रहेगी वो लॉन्ग रहेगी, शॉर्ट राइड नहीं रहेगी। अभी सीधा जैसे रमज़ान होता है उसके दूसरे दिन छुट्टी लेके एक लॉन्ग राइड निकाल देंगे हम लोग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आज का ब्लॉग एकदम सॉर्टेड सिंपल सा था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो आपको पता है इस ब्लॉग को क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।